हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में देखेंगे कि जो सपोर्ट हेड है उसका हम क्या करेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे, निरीक्षण करेंगे। हमारा आलम जो आलम शीर्ष है उसका निरीक्षण करना है। तो आज हम देखते हैं कि इसका जो तात्पर्य है वो है कि आलम ऊपर शीर्ष से देखते हैं। इस निरीक्षण में जो विद्युत लाइन है पूर्णतः कैसे होनी चाहिए, कंप्लीट सप्लाई ऑफ रखनी चाहिए, विशेष सावधानी बरतनी चाहिए, इससे संबंधित जो लाइन का कंप्लीट शटडाउन है वो लेना चाहिए, और हमारे जितने भी उच्च अधिकारी हैं जैसे JEE, SDO, XCN, ठीक है, इन सब से पहले ही बात कर लेनी चाहिए और इनसे मतलब कि आप कह सकते हो कि परमिशन ले लेनी चाहिए। समय के बचत तथा अत्यधिक औद्योगिक कार्य हानि रोकने के लिए टोली में आदमियों मतलब लाइनमैन की संख्या अधिक बढ़ाकर शीघ्रता निरीक्षण समाप्त करना चाहिए। इस निरीक्षण की आवृत्ति के संबंध में विभिन्न शिल्प वैज्ञानिकों जो टेक्नोलॉजिस्ट हैं के भिन्न भिन्न मत हैं, परंतु लाइन खींचने के ठीक 5 वर्ष बाद एक बार आलम सी निरीक्षण नितांत आवश्यक होता है। प्रस्तुत जो निरीक्षण अधिक सूक्ष्मतापूर्वक किया जाना चाहिए क्योंकि भविष्य के निरीक्षण की आवृत्ति इसी प्रथम निरीक्षण पर निर्भर करती है। इसके पश्चात क्योंकि जो निरीक्षण है वो आवृत्ति कम से कम 2 या 3 वर्ष में एक बार तथा अधिक से अधिक वर्ष में एक बार रखी जा सकती है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित निरीक्षण किए जा सकते हैं। अब देखिए कि ये जो टेंशन टैप क्लैंप है और आप जो फिगर देखते रहिए, यहाँ पे टेंशन टैप क्लैंप, आपके सस्पेंशन टैप क्लैंप, ठीक है, ये अलग अलग डिज़ाइन में थोड़े हैं आपको, क्योंकि ये जो कंडक्टर हैं उनको होल्ड भी करते हैं। कैंची भुजा तथा उनके कब्जों की दशा, कंडीशन ऑफ क्रॉस आर्म एंड द डियर ब्रैकेट्स, आलम पर व्यवस्थित जो फिटेड होते हैं कैंची भुजाएँ और कब्जे आदि का अलाइनमेंट, इनका झुकान, मजबूती के साथ पकड़न, ढीलापन, नट बोल्टों का कसना, जंग लगना, छयाद होना होता है, ठीक है। तो आप देखिए कि जो थिम्बल आई टाइप क्लैंप का है वो देखिए किस टाइप से है, इसमें कंडक्टर को कैसे मतलब कि पकड़े रहता है, हिंज कर रखता है। एक है पैराड टाइप क्लैंप, ये भी बहुत ज़्यादा मतलब उसमें ट्रांसमिशन में जो ओवर हेड लाइन्स हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा यूज़ क्या था। आप देखिए, आप कंडीशन ऑफ इंसुलेटर एंड देयर फिटिंग, जो हमारा इंसुलेटर है उनका झुकना, चटकना, टूटना, कैंची भुजाओं के साथ पिन वोल्ट की जकड़न का ढीला होना आदि का निरीक्षण भी भलीभांति कर लेना चाहिए। लाइन चालक तो उनके बंधकों की जो कंडीशंस हैं उनमें हमारा तार का कटना, टूटना, जंग लगकर क्षय होना, मतलब कि जंग लगकर जो घिस जाते हैं या गल जाते हैं या नष्ट हो जाना है, बंधक तार का ढीला होना है, इन सब के बारे में भी हमें अच्छे से क्या करना चाहिए, निरीक्षण करना चाहिए, उनको हिला डुला कर देखना चाहिए भली भांति। बंधक तारों की दशा, कंडीशन ऑफ द बाइंडिंग वायर, विद्युत रोधक तथा लाइन चालक को बांधने वाले बंधक तारों का, क्लैंपों का आदि का खुलना, टूटना आदि सभी का निरीक्षण करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है। जंपरों, क्लैंपों आदि की दशा, कंडीशन ऑफ द जंपर्स, क्लैंप्स, ये सब हैं, इन सब की भी बहुत ज़्यादा बारीकी से क्या करना चाहिए, निरीक्षण करना चाहिए और प्रैक्टिकल इनको क्या करना चाहिए कि हिला डुला के देखना चाहिए। सही, इससे कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कुछ ऐसा तो नहीं है कि कुछ समय बाद ये फॉल्टी कंडीशन में आ जाए या कोई एक्सीडेंटल का कॉज बन जाए। भूतार की दशा, कंडीशन ऑफ अर्थवार, आलम्बों के शीर्ष पर संयोजित जो सतत भूतार का ढीलापन, बंधन की मजबूती आदि का निरीक्षण करना चाहिए। स्विचिंग उपकरणों की दशा, कंडीशन ऑफ द स्विचिंग इक्विपमेंट, आलम्बों पर स्थापित लाइन सप्लाई को ऑन ऑफ करने के लिए जो बिलककारी चाकू स्विच है, फ्यूज है आदि के पर्जों का निरीक्षण भली भांति करना चाहिए, ठीक है। सुरक्षा युक्तियों की दशा, कंडीशन ऑफ द प्रोटेक्टिव डिवाइस, लाइन के आरंभ तथा अंत के आलम्ब पर स्थित तड़ित निरोधक जो लाइटिंग अरेस्टर है, फ्यूज तथा अन्य सुरक्षात्मक युक्तियां जैसे परिरक्षक जो सॉरी पक्षी रक्षक, वर्ड्स गार्ड, खतरा सूचक पर डेंजर इंडिकेटिंग प्लेट्स आदि का भी निरीक्षण भलीभांति करना चाहिए, ठीक है। अब विशेष इंस्पेक्शन, जो स्पेशल इंस्पेक्शन की जरूरत है, वो विशेष निरीक्षण की जरूरत है, वो क्या है कि आंधी, तूफान, तेज वर्षा, ओला, हिमपात, वज्रपात, बाढ़ आदि विशेष घटनाओं के पश्चात संबंधित क्षेत्र की सभी प्रकार की सिरोपरि लाइन मतलब ओवरहेड लाइनों का शीघ्र अतिशीघ्र परीक्षण नितांत आवश्यक होता है। मतलब ऐसी कंडीशन बाद ये बहुत करना बहुत जरूरी हो जाता है, इसे विशेष निरीक्षण कहते हैं। इस निरीक्षण की कार्य सीमा उपर्युक्त दुर्घटनाओं की तीव्रता पर निर्भर करता है। यह निरीक्षण भी
उपयुक्त जो निरीक्षण की बात है, जमीन पर पैदल गश्त लगाकर आलम्बों पर चढ़कर दोनों प्रकार से ही किया जा सकता है। इसके अंतर्गत सभी पूर्व वर्ण निरीक्षण सम्मिलित रूप से आते हैं। यदि इस निरीक्षण के अंतर्गत किसी प्रकार की खराबी या प्रदोष पाया जाता है तो उसे अविलंब तुरंत दूर किया जाता है। आपातकालीन निरीक्षण इमरजेंसी इंस्पेक्शन। अब यदि किसी लाइन पर भंजन ब्रेकडाउन की घटना बारंबार होती, मतलब कि बार बार होती है, अर्थात लाइन को उर्जित करने पर उसका प्रभाव व्योजक जो सर्किट ब्रेकर है बार बार क्या ट्रिप होता है, तो स्पष्ट है कि अमुक लाइन दोषी है, वो क्या है, फॉल्टी है। इस प्रदोष को खोजकर ठीक करने तथा लाइन को पुनः चालू करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। इस स्थिति में लाइन का जो निरीक्षण किया जाता है उसे आपातकालीन निरीक्षण बोलते हैं। इसके अंतर्गत निरीक्षण स्थल जो ग्राउंड इंस्पेक्शन तथा आलम सी निरीक्षण सपोर्ट हेड इंस्पेक्शन की सभी प्रक्रमों को अपनाया जाता है और दोष को खोजकर उसका शीघ्र निवारण किया जाता है, ताकि लाइन कम समय के अंतर्गत ही पुनः चालू की जा सके। इस निरीक्षण के अंतर्गत प्रायः अधिक झोल के कारण लाइन चालकों का परस्पर जुड़ना, लाइन चालक से किसी पक्षी का या परिंदे का चिपक जाना, लाइन चालकों द्वारा पेड़ों की टहनियों का छूना आदि दोष पाया जाता है। अब सिरोपरि लाइन पर अनुरक्षण परीक्षण मेंटेनेंस टेस्ट ऑन ओवरहेड लाइन। ओवरहेड लाइन पर जो मेंटेनेंस टेस्ट है उसके बारे में अब हम देखते हैं कि उक्त जो वर्णित निरीक्षण के साथ साथ सिरोपरि लाइनों को निरोधी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के अंगों की तरह नियमित परीक्षण मतलब रेगुलर टेस्ट तथा जांच प्रदान की जानी चाहिए। 5 वर्ष के प्रवेशन के पश्चात कास्ट खम्भों बुड़ खम्भों तथा कैंची भुजाओं को फंगी के कारण नष्ट होने के लिए परीक्षित टेस्टेड किया जाना चाहिए। 5 वर्षों के बाद जोड़ों पर किसी प्रकार की तनिक जंग के दिखाई देने पर ही धातु खंभों की आकस्मिक एट रैंडम जांच की जानी चाहिए। भूमिगत भागों में भी संचारण प्रभाव की संभावना हो सकती है, इसलिए प्रभावी मरम्मत तथा बदलने के लिए निरीक्षण किया जाना चाहिए। सिरोपरि लाइन के अंतराल का मापन मेजरमेंट ऑफ द क्लियरेंस ऑफ ओवरहेड लाइन। वर्ष में कम से कम एक बार चालक अंतरालों की सामयिक जांच की जानी चाहिए, क्योंकि परिवेशन परिस्थितियां जो स्थितियां हैं विविधताओं के कारण परिवर्तित होते रहते हैं। इसके अतिरिक्त निकटवर्ती विस्तृतियों में असमान तनाव के कारण समय गुजरने के कारण मरम्मत या नई सड़क का निर्माण तथा लाइन के निकट या अंतर्गत भूभरण के बाद खम्भ विस्थापन आदि के कारण अंतराल या क्लियरेंस परिवर्तित हो सकता है। ठीक है, मेथड ऑफ मेजरिंग वर्टिकल क्लियरेंस इन सैग ऊर्ध्वाधर अंतराल तथा झोल मापन विधि। सिरोपरि लाइनों का ऊर्ध्वाधर अंतराल तथा झोल मापन के लिए एक सूखी लकड़ी या बांस के सीधे लंबे लट्ठे या फट्टी का प्रयोग किया जाना चाहिए था जिस पर विभिन्न रंगों के नीचे से ऊपर की ओर माप चिन्ह लगे होते हैं, पाठ्यांक भी लिखे होते हैं। चालकों के बीच ऊर्ध्वाधर अंतराल मापन के लिए माप करने वाली फट्टी या लट्ठे को लाइन चालकों के निकट सीधा खड़ा किया जाना चाहिए और दोनों चालकों की ऊंचाई के अंतर को मापकर प्रत्यक्ष ऊर्ध्वाधर अंतराल ज्ञात किया जा सकता है। किसी स्थान पर सिरोपरि लाइन के चालक का झोल ज्ञात करने के लिए माप करने वाले लट्ठे को संबंधित चालक के निकट ठीक ऊर्ध्वाधर खड़ा किया जाता है और चालक की पृथ्वी से ऊंचाई मापी जाती है। उसके बाद इस ऊंचाई को आलम पर चालक की ऊंचाई से घटाकर झोल का मान ज्ञात कर लिया जाता है। सामान्यतः झोल का मान कार्य ग्रीष्म ऋतु में किया जाता है, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु गर्मी के कारण सिरोपरि लाइन में झोल सर्वाधिक होता है। चालकों के बीच या चालकों तथा पृथ्वी के बीच ऊर्ध्वाधर अंतराल बढ़ाने के लिए अथवा झोल को कम करने के लिए लाइन के तारों को खींचकर तनाव या टेंशन बढ़ाया जाता है, परंतु अधिक तनाव के कारण तार टूटने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए झोल तथा तनाव में एक सामंजस्य कायम रखना पड़ता है। चालकों तथा पृथ्वी के बीच अंतराल को अधिक ऊंचाई के आलम्बों का प्रयोग करके भी बढ़ाया जा सकता है। सिरोपरि लाइन में न्यूनतम अंतराल तथा अधिकतम झोल भारतीय युद्ध नियम के अनुसार होनी चाहिए। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं कि इसमें आपको एक बाइपर जम्पर लगाया गया है जो आपको इधर जो आने जो फेज है उसको एक बाईपास तार के थ्रू दे रहा है सप्लाई, वो किसी पोल के थ्रू नहीं दे रहा है। हो सकता है कभी बारिश के मौसम में हिमपात में क्या हो सकता है
कि भीगने से या गीले होने से क्या कंडक्शन हो जाए जो पूरे पोल में आ सकता है। ठीक है, यहाँ पे जोड़ कैसा उसको दिखाया गया कि जोड़ कैसे किया जाएगा। अब विद्युत रोधों का इंस्ट्रक्शन और इंसुलेटर। अब इंसुलेटर का क्या होगा कि एक सिविल लाइन के विद्युत रोधकों को यंत्र तथा वैद्युत प्रतिपलों के अंतर्गत कार्य करना पड़ता है जो इनके जीवन काल को कम करते हैं, इनके जीवन काल को कम करते हैं। कंपन तथा परिवर्तन उनकी अभिकल्प सामर्थ्य से परे यांत्रिक प्रतिबलें उत्पन्न करने के कारण भी विद्युत रोधकों की खराबी का कारण बनता है। इसके अतिरिक्त अत्यधिक वोल्टेज भी विद्युत रोधकों की विफलता का कारण बनती है। खराब या भंजित विद्युत रोधकों को समय निरीक्षण पीरियोडिकली इंस्पेक्शन के अंतर्गत गौर से देखा जाता है। उन्हें लाइन का ब्राम या शटडाउन लेकर जितनी जल्दी संभव हो सके बदल दिया जाता है। जोड़ों का परीक्षण इंस्पेक्शन ऑफ जॉइंट्स। अभी हमने जो ऊपर चित्र देखा था उसमें जॉइंट्स आपको दिखाया गया था। चालकों में लगे हुए जोड़ तथा गुजरने के साथ साथ परिवेशन जो सर्विस है में नष्ट जो डिटोरी जो होता है डिटोरियोटेट होते रहते हैं। सही है, और लघुपतों के कारण मतलब शॉर्ट सर्किट के कारण अपनी कुछ चालकता भी खो देते हैं जो विचारणीय तापन तथा जोड़ों के खुलने का कारण बनती है। संपर्क सतहों पर संचारण जो संचारण होता है के कारण जोड़े भी नष्ट हो जाती हैं और जोड़ से धारा पुनर्वितरण का कारण बनती है। लाइन चालकों के लिए कमजोर जोड़न या पुअर ज्वाइंटिंग तथा लाइनों के लिए संपर्कों का अनुचित प्ररूप का प्रयोग भी जोड़ों की विफलता का कारण बनता है। एक जोड़ में कमजोर विद्युत संपर्क का या न्यून यांत्रिक सामर्थ्य भी अतितापन या चालक को भंजन की ओर ले जाती है। खराब जोड़ों का गौर से अवलोकन किया जाना चाहिए और सामयिक निरीक्षण के अंतर्गत बदला जाना चाहिए। लाल तप्त जोड़ों के किसी प्रकार के उस स्पार्किंग की तुरंत ही मरम्मत की जानी चाहिए। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो ए टॉपिक है चालकों तथा सिरोपरि भूतारों का इंस्पेक्शन ऑफ कंडक्टर एंड ओवरहेड अर्थवायर। जो सबसे ऊपर टॉप पे लगा था वो अर्थ आपका बाहर होता है पर उसमें चालक तथा भूतार का जो उनके खिंचाव व संकुचन क्लैंप में झुकाव प्रतिबलों जो बैंडिंग स्ट्रेस के कारण तनाव प्रतिबलों के लिए कार्य करती है। लड़ियाँ बनाते समय निर्माणकारी खराबी जैसे ऐंठना टूटी हुई लड़ियाँ खुरचा हुआ स्वीकृत लेपन तथा अत्यधिक बढ़ने वाला तनाव आदि के द्वारा भी चालक की दशा स्थिति प्रभावित हो सकती है। फलस्वरूप चालकों पर लड़ियाँ विशेषकर लाइन आलम्बर क्लैंप में जकड़े हुए स्थान पर मध्य विस्तृत में किसी बिंदु पर बिंदु से टूट जाती है। इसलिए चालकों को नियमित रूप से लगातार उनके क्लैंप पर निश्चित करते रहना चाहिए। लाइन मरम्मत लाइन रिपेयर्स सर्वोपरि लाइनों का प्रत्येक निरीक्षण के पश्चात सामयिक मरम्मत तथा वर्ष में एक बार पुनर्वन ओवरहॉल करना नितांत आवश्यक है। नियम मरम्मत जो होता है नियमित रूटीन मतलब रिपेयर का उद्देश्य लाइन तथा आलम्बो ढांचे का प्रचालन विश्वसनीयता के एक निश्चित स्तर पर कायम रखना है। पुनर्नवन का उद्देश्य एक क्षतिग्रस्त लाइन तथा इसके आलम्बों या आलम्बन ढांचों को एक निश्चित सामर्थ्य तक पूर्ण रूप से पुनः स्थापित करना होता है। मृत लाइन जो डायलाइंस का मरम्मत कार्य लगातार जारी रखना चाहिए जो कि पूर्ण रूप से आप ये देखिए बटनिया टाइप जॉइंट्स हैं ये जॉइंट जो आपको दिखाए गए हैं किस प्रकार होना चाहिए जॉइंट देखिए ये बहुत ही ज़्यादा सेफ सिक्योर होते हैं। नोजल टाइप जॉइंट जो आप फिगर देख रहे हैं कंप्रेसर मैकइंटायर हाँ अवरोध रहित खुली होती है। जो ओवरहेड जो डेडलाइन होती है वो अवरोध रहित मतलब कि क्लियर खुली ओपन तथा अर्थड होना चाहिए। किसी मरम्मत कार्य को आरंभ करने से पहले मरम्मत की वस्तु जॉब के अधिकृत कर्मचारी है असाइंड वर्कमैन को अपने अधिकार में लिए गए मरम्मत कार्य के संबंध में पूर्ण रूप से विस्तृत जानकारी होना चाहिए। उन्हें प्रयुक्त सुरक्षा सावधानियों से भली भांति देखकर जांच कर लेनी चाहिए ताकि किसी प्रकार की दुर्घटना होने की संभावना ना रहे। सर्वोपरि लाइनों पर किया गया वास्तविक मरम्मत का निरीक्षण अनुरक्षण जांचों में उपलब्ध की गई तारीखों तक के आधार पर निर्धारित होना चाहिए। कोई प्रदोष जो प्रदाय के भंजन या फिर सप्लाई ब्रेकडाउन का कारण बन सकता है उसे आपातकालीन आधार पर विचार किया जाना चाहिए। सर्वोपरि लाइन मरम्मत ओवरहेड लाइन रिपेयरिंग प्रत्येक निरीक्षण के बाद
सर्वोपरि लानों की सामयिक मरम्मत, पिलोट बस में एक बार नितांत आवश्यक है और उनका रूटीन जो मतलब कि रिपेयर है उसका उद्देश्य है कि उसका आलम्बन और लाइन और उनकी विश्वसनीयता को बनाए रखना होता है, किसी प्रकार का कोई डैमेज नहीं होना चाहिए। और जो सेम अभी हमने जब लाइन रिपेयर में वही सारी चीज़ें हमारी ओवरहेड लाइन के लिए होती हैं, और इसमें कुछ चीज़ें वो हैं वो निम्नलिखित हैं। आप देखिए कि लकड़ी के खम्भों तथा कैंची भुजाओं के क्षयकृत अंगों का बदलना होता है, संपूर्ण रूप से खराब खम्भों को बदलना होता है, धातु खम्भ तो उनके अंगों पर पेंटिंग करना, क्षयकृत विद्युतरोधकों तथा लड़ियाँ स्ट्रिंग्स को बदलना, लाइन फिटिंग्स नट बोल्ट क्लैंप आदि को बदलना, क्षयकृत चालक अंगों को काटकर अलग करना तथा उन्हें बदलना, चालक तथा भूतारों पर जो झोल है सैक को व्यवस्थित करना, तड़ित निरोधक जो लाइटनिंग अरेस्टर की मरम्मत करना, सभी सिकंजों क्लैंप्स को मजबूती से कसना, अति तपित ओवर हीटेड तथा मौसम द्वारा खराब किए गए जंपरों को भी बदलना होता है, पतंग लड़ियाँ जो होती हैं तथा लाइनों पर से व्यस्त पदार्थ को हटाना, लाइन की ओर झुकी हुई पेड़ों की शाखाएं टहनियों को जो निकट भविष्य में प्रदोष का कारण बन सकते हैं उन्हें काटकर सदैव के लिए अलग करना, तान संगठन स्टे जो फिटिंग है तथा खम्भों की नींव फाउंडेशन ऑफ पोल्स आदि का निरीक्षण तथा मरम्मत करना, चालकों के बीच अंतराल को सही रखना, यह सबसे ज़्यादा जरूरी है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है अर्थिंग। जो प्रबलित कंक्रीट है RCC तथा प्रथम प्रबलित सीमेंट PCC सही है, खम्भों सहित धातु खम्भों को स्थायी रूप से परमानेंटली यहाँ पर छम रूप मतलब इफिशेंटली किया जाता है। इस उद्देश्य के लिए प्रत्येक खम्भों में सुरक्षापूर्वक सावधानी से फंसाया गया तथा प्रत्येक किलोमीटर में 3 बिंदुओं पर पृथ्वी से संयोजित किया गया एक मजबूत सतत भूतार प्रदान किया जाता है। इन भू संपर्कित बिंदुओं के बीच जहाँ तक संभव होता है वहाँ तक समान दूरी रखी जाती है। प्रत्यावर्ती ढंग जो अल्टरनेटिवली सब क्या होता है भूयोजित अर्थ किया जाता है, अन्य जो सतत भूतार के साधन द्वारा पृथ्वी से संयुक्त हो आदि को छोड़कर निम्न तथा मध्यम वोल्टता लाइनों के सभी तान तारों के साथ पृथ्वी के 3 मीटर की ऊंचाई पर एक एक विद्युत रोधक लगाया जाता है। यदि भूचालक तार जो है तांबे का है तो उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्र 16 वर्ग मिलीमीटर से कम नहीं होना चाहिए, और यदि जस्तीकृत है लोहा मतलब कि जो GI है जस्तीकृत लोहा है गणनाधारण है तो लोहा अथवा इस्पात का हो तो उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 25 वर्ग मिलीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। आलम्बों को मेंटेनेंस ऑफ सपोर्ट का मेंटेनेंस, कास्ट खम्भों का निरीक्षण। अब जो कास्ट खम्भों का होता है वो सिंगल वुड और डबल वुड में भी होता है, तो एक ए टाइप वुड पोल है सिंगल पोल में, डबल पोल में ए वुड टाइप और एच टाइप। लकड़ी के खम्भों देखने में सूखे ठोस सीधे लंबे या टेप चिकने गांठ रहित दरार रहित कीड़ा तथा दीमक रहित होना चाहिए। इनका व्यास तथा लंबाई भारतीय नियमानुसार होनी चाहिए। लकड़ी के खम्भों का अधिकतम जीवन काल 40 वर्ष हो सकता है। आरंभ इन खम्भों का सबसे पहले परीक्षण जो सेवा काल के 10 वर्ष पश्चात होना चाहिए, परंतु यदि आवश्यक हो तो 10 वर्ष से पहले भी परीक्षण किया जा सकता है। तो लकड़ी और खम्भों का अधिकतम जो जीवन काल है वो 40 वर्ष हो सकता है। आरंभ में इन खम्भों का सबसे पहले परीक्षण फर्स्ट जो टेस्टिंग हो सेवा काल 10 वर्ष पश्चात है, ठीक है रिकमेंडेड है, परंतु आवश्यक हो तो इसको 10 वर्ष पहले भी परीक्षण किया जा सकता है। लकड़ी के खम्भों का कीड़ा दीमक आदि के लगने से बचाने के लिए इस पर एक क्रियोसोट और तेल का लेप किया जाता है। इसके अतिरिक्त जिंक क्लोराइड तथा मरकरी बाइक्लोराइड आदि लवणों के घोल से लेप का भी प्रयोग किया जा सकता है। कास्ट खम्भ के पृथ्वी के अंदर गाड़े जाने वाले भाग को आग में जलाकर पानी से तुरंत बुझा दिया जाता है, इससे कास्ट खम्भ का झुलसा हुआ भाग कठोर बन जाता है और इसमें कीड़ा दीमक नहीं लगती है। इस प्रक्रम को अंगारण या चारिंग कहते हैं। यह प्रक्रम अत्यंत सरल और सस्ता है। इस कास्ट खम्भों के पृथ्वी के अंदर दफन होने वाले
भाग की रक्षा की जाती है। भारत में काष्ठ खम्भों का कीड़ा या दीमक से बचाने के लिए खम्भों के पृथ्वी के अंदर वाले भाग पर ब्रश या तार पोल या बिटुमेन का लेप किया जाता है और खम्भों को पृथ्वी के ऊपर वाले भाग पर ब्रश द्वारा अलसी या तारपीन के तेल का लेप किया जाता है। कभी कभी खम्भों को तेल से भरी हुई टंकी में डुबोकर भी लेप किया जाता है। प्रबलित कंक्रीट सीमेंट कंक्रीट खम्भों का निरीक्षण, जो RCC पोल हैं, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट पोल, प्रबलित सीमेंट कंक्रीट के खम्भ देखने में सीधे साधे चिकने लंबे मजबूत दरार रहित होने चाहिए। प्रबलित सीमेंट कंक्रीट खम्भों का अत्यधिक अनुरक्षण मरम्मत की आवश्यकता नहीं होती, केवल टूटने पर इन्हें बदल दिया जाता है। इन खम्भों पर किसी प्रकार का लेप या पेंट अथवा वार्निश आदि नहीं करना चाहिए, अन्यथा इन पर पड़ी हुई दरारें अदृश्य हो जाती हैं और अनुरक्षण तथा देखभाल में अधिक समय लगेगा। यदि इन खम्भों पर रंग करना ही है तो पाउंड 0.53 किलोग्राम कॉपर सल्फेट को 30 लीटर पानी में घोलकर ब्रश द्वारा लेप करना, जो लकड़ी जैसा स्थायी रंग प्रतीत होता है। इस्पात खम्भ स्तंभ तथा ढांचों का अनुरक्षण, मेंडो स्टील पोल टावर एंड स्ट्रक्चर, जस्तीकृत इस्पात आलम्बों का अनुरक्षण, इन पर जंग या रस्ट के लगने के चिन्ह दिखाई देने पर अर्थात जंग लगने से पहले ही आरंभ कर देना चाहिए ताकि अनुरक्षण कम समय में सरलता से हो जाए। प्रायः औद्योगिक क्षेत्रों में 7 से 12 वर्ष बाद अनुरक्षण आरंभ किया जाता है और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रायः 15 से 20 वर्ष बाद अनुरक्षण आरंभ किया जाता है, परंतु अत्यधिक प्रदूषित क्षेत्रों में उक्त समय से पहले भी अनुरक्षण आरंभ किया जा सकता है। इस प्रकार जस्तीकृत इस्पात आलमों के अनुरक्षण की आवृत्ति कम से कम 20 वर्ष में एक बार तथा अधिक से अधिक 20 वर्ष में 4 बार अर्थात 5 वर्ष में एक बार रखी जाती है। अब आपको ये जब पोल है, स्तंभ टावर हैं, DP है, कास्ट जो लकड़ी के पोल हैं ये, ठीक है, देखिए आप फिगर में आपको ये साफ साफ दिखाई देंगे। इस्पात से निर्मित आलम खम्भ ढांचा और आलम संबंधित सभी सामग्री क्रॉस आर्म ब्रैकेट नट बोल्ट क्लैंप बार आदि जस्तीकृत होना चाहिए। इससे उनमें जंग या रस्ट लगने की संभावना कम हो जाती है, उनका जीवन काल बढ़ जाता है, साथ ही साथ अनुरक्षण भी मेंटेनेंस भी कम हो जाता है। यदि आलम तथा संबंधित सामग्री के निर्माण जस्तीकृत इस्पात का प्रयोग ना किया जाता तो उन पर जस्तीकृत समानुसार समाप्त हो जाता है, तो उन पर जंग लगने से पहले ही त्रिकोटीय पेंट की 3 कोटें कर देनी चाहिए। इस्पात आलम स्टील सपोर्ट्स हैं, स्टील में पोल आते हैं, टावर आते हैं और स्ट्रक्चर आते हैं। तो जो पोल हैं वो नालिकाकार हैं, ट्यूबुलर टाइप हैं, ठोस सॉलिड पोल होते हैं और जालक मतलब लैटिस पोल होते हैं। अगर इस टावर की बात करें तो नैरो बेस्ड टावर एंड ब्रॉड बेस्ड टावर, और अगर स्टील स्ट्रक्चर की बात करें तो ए टाइप स्ट्रक्चर एंड एस टाइप स्ट्रक्चर, ठीक है। अब नई लाइन खड़ा करने इरेक्ट करने पर प्रथम वर्षा ऋतु पश्चात ही आलम की नींव फाउंडेशन निरीक्षण करना चाहिए। यदि कहीं पर प्रथम भरण फर्स्ट फिलिंग नीचे को धस गई है और वहाँ पर गड्ढा बन गया तो उसे मिट्टी से भरकर गली वहाँ से ही ठोक कर दाबित करना चाहिए, रेम्ड करना चाहिए। कैंची भुजाओं तथा बंधनियों का मेंटेनेंस ऑफ द क्रॉस एंड ब्रेकेट्स, प्रायः लकड़ी अथवा इस्पात चैनल एंगल आयरन से कैंची भुजाओं या बंधनियों को बनाया जाता है। आजकल जस्तीकृत इस्पात निर्मित कैंची भुजाओं तथा बंधनियों का प्रयोग अधिक होता है क्योंकि इनमें अपेक्षाकृत कम अनुरक्षण की आवश्यकता होती है। यदा कदा प्रबलित सीमेंट कंक्रीट के खम्भों पर प्रबलित सीमेंट कंक्रीट से निर्मित कैंची भुजाओं तथा बंधनियों का भी प्रयोग देखने को मिलता है। कास्ट में प्रबलित सीमेंट कंक्रीट तथा जस्तीकृत इस्पात से निर्मित कैंची भुजाओं तथा बंधनियों का अनुरक्षण क्रमशः कास्ट प्रबलित या जो आपका RCC है या फिर GI से निर्मित आलम्बों के साथ ही होता है। केवल इसमें नट वोल्ट आदि जंग लगने तथा स्रव होने पर तुरंत बदल दिया जाता है। विद्युत रोधकों का मेंटेनेंस ऑफ इंसुलेटर, भिन्न भिन्न वोल्टता की सिरों पर लाने में प्रयुक्त भिन्न प्रकार के जो विद्युत रोधकों का निर्माण प्रायः ग्लेज्ड पोर्सलेन, ग्लेज्ड चाइना क्ले अथवा कांच गिलास और रासायनिक यौगिकों जो केमिकल कंपाउंड द्वारा किया जाता है। पोर्सलेन की अपेक्षा कांच निर्मित विद्युत रोधकों अधिक श्रेष्ठ समझे जाते हैं, परंतु भंगुर तथा महंगे होने के कारण इनका प्रयोग सीमित है। अब आप देखिए केमिकल कंपाउंड द्वारा किया जाता है, पोर्सलिन की अपेक्षा कांच निर्मित विद्युत रोधक अधिक श्रेष्ठ समझे जाते हैं परंतु भंगुर
तथा महंगे होने के कारण इनका प्रयोग सीमित है। केवल उच्च वोल्टता पर प्रदूषित क्षेत्र में ही प्रयोग किए जाते हैं। सामान्यतः पोर्सलिन के बने ग्लेज्ड विद्युत रोधकों का प्रयोग होता है। विद्युत रोधकों का अनुरक्षण प्रायः ग्रामीण क्षेत्रों में 20 वर्ष बाद तथा औद्योगिक क्षेत्रों में 12 वर्ष बाद आरंभ किया जाता है, परंतु अधिक प्रदूषित क्षेत्रों में इससे पहले भी आरंभ किया जा सकता है। इस प्रकार विद्युत रोधकों के अनुरक्षण की आवृत्ति कम से कम 20 वर्ष में एक बार तथा अधिक से अधिक 12 वर्ष में एक बार रखी जाती है। सिरोपरि लाइनों में प्रयुक्त विद्युत रोधकों की तरह रोधकों की सतह पर धूल धूम्र आदि का जमना वहाँ संबंधित क्षेत्रों की वायुमंडलीय परिस्थितियों पर निर्भर करता है। प्रायः कम वर्षा वाले क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विद्युत रोधकों पर कम धूल जमती है, क्योंकि अधिक वर्षा वाले वर्षा के कारण समय समय पर विद्युत रोधक धुलते रहते हैं। और दूसरे रेगिस्तानी ग्रीष्म प्रदेशों में अपेक्षाकृत शीत प्रदेशों में विद्युत रोधकों पर कम धूल जमती है, परंतु शीत प्रदेशों में विद्युत रोधकों पर बर्फ जमने की संभावना अधिक रहती है। इससे अतिरिक्त अधिक विसर्पी वाले विद्युत रोधकों की अपेक्षा कम विसर्पी दूरी वाले विद्युत रोधकों पर कम धूल तथा धूम्र जमती है, क्योंकि पृष्ठ क्षेत्र सतह कम होने के कारण धूल की संभावना कम हो जाती है। ठीक है, आप जो देख रहे हैं यहाँ पे जो फिगर है वो सस्पेंशन टाइम डिस्क इंसुलेटर है। इसमें डिस्क इंसुलेटर लगे हैं और सस्पेंशन में है ये। ठीक है, ये आर्किंग हॉर्न है और ये आपका ग्रेडिंग जो छल्ले हैं जो रिंग्स हैं वो हैं। सही है, अभी आपका क्या है, ये पिन टाइप है, ये पिन टाइप आपका इंसुलेटर है। इसका क्रॉस सेक्शन भी काट के व्यू दिखा गया, साइड में ये भी है, जो मिड में है उसमें क्या करते हैं आप टॉप में कंडक्टर को भी रखते हैं इसे। ठीक है, अब आपका विद्युत अधिक सुंदर दिखना नहीं चाहिए, अन्यथा बच्चे मोहित आकर्षकों को उन पर डेले ईंट पत्थर आदि फेंकने लगते हैं, इससे विद्युत रोधक टूट जाते हैं। ऐसा करने से बच्चों को मनोवैज्ञानिक तरीके से रोकना चाहिए तो उनके संरक्षकों गुरु माता पिता आदि से सभ्यतापूर्वक शिकायत करना चाहिए। विद्युत रोधकों का अधिकतम जीवन लगभग 50 वर्ष तक होता है। टूटे या ब्रेकिंग फटे बस्टिंग दरार पड़े हुए क्रैकिंग विद्युत रोधकों को तुरंत बदल देना चाहिए। चक्ती प्रारूपी जो डिस्क टाइप इंसुलेटर में किसी चक्ती के नष्ट डैमेज होने पर केवल उसी नंबर की चक्ती को लड़ी से निकालकर तुरंत बदल देना चाहिए। विद्युत रोधकों की सुरक्षा पर उन के लिए उन पर अनुपातन बलें मतलब ग्रेडिंग रिंग्स तथा आर्किंग सिंगों जो आर्किंग हॉर्न्स का प्रयोग करना चाहिए। विद्युत रोधकों को सिरोपरि लाइन चालकों के साथ बांधने के लिए प्रायः समान धातु के तारों का प्रयोग करना चाहिए तथा ताम्र चालकों के साथ ताम्र बंधक तारों जस्तीकृत लोहा चालकों के साथ जस्तीकृत लोहे मतलब कि अगर कॉपर है तो कॉपर का और अगर जीआई का है तो जीआई का। ये देखो टोपी व पिन टाइप डिस्क इंसुलेटर। दूसरा है हेवल टाइप झूला मतलब कि हेवल टाइप या झूला टाइप डिस्क मतलब इंसुलेटर है कह सकते हो। ये सस्पेंशन में है और ये आपका पिन में है। ठीक है, जैसे तो बंधक तारों का एल्यूमिनियम तथा इस्पात प्रबलित जो आपके एल्यूमिनियम चालक होते हैं ACSR, ठीक है, उनको यूज करना चाहिए। और ये तान विद्युत रोधक है, तान में मतलब कैसे विद्युत रोधकों के ध्रुव का आरक्षण मेंटेनेंस और स्पिंडल ऑफ इंसुलेटर। विद्युत रोधकों को कैंची भुजाओं पर कसकर बांधने या साधने वाले धुरे प्रायः निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं, इस्पात शीर्ष प्ररूपी ध्रुव स्टील हेड टाइप स्पिंडल, सीसा शीर्ष एक इस्पात होते हैं, दूसरा सीसा शीर्ष होते हैं लेड टाइप और स्टील हेड टाइप। ठीक है, आप इसमें देखो साइकिल टाइप जो इंसुलेटर है वो इस टाइप से दिखाई देता है, ऊपर बोल्ट होगा साइकिल मतलब कि सेपरेटर होगा, फिर एक अनुप्रस्थ भाग मतलब भुजा होगी आर्म लगी होगी इसके नीचे। विद्युत रोधकों में प्राय धुरे इस्पात के या फिर जस्तीकृत मतलब या फिर शुभ जस्ते के बने होते हैं, कभी कभी लेड के भी बने होते हैं। ये इंसुलेटर स्पिंडल या पिन है जो आपको देखने मिल जाए उसके भीतर पड़ी हुई होती है। चालकों का अनुरक्षण मेंटेनेंस ऑफ द कंडक्टर। कठोर जो आपके ताम्र चालकों का जो आपका कह सकते हो कि एक ट्विस्टेड होते हैं एक ऐंठे हुए या फिर जो तांबे के तार ऐंठा हुआ होता है ना बहुत ज़्यादा कठोर हो जाता है। मेंटेनेंस ऑफ हार्ड ड्रॉन कॉपर कंडक्टर। इनका उपयोग न्यून वोल्ट 66 kV तक की जो छोटी लाइन्स होती हैं शॉर्ट स्पैन वाली सिरोपरि लाइन होती है उनमें यूज करते हैं। इनमें जंग लगने की संभावना कम होती है। इनका टिकाऊपन अधिक से 20 से 25 वर्ष होता है।
भारत में ताम्र की कमी होने के कारण इनका स्थान एल्युमिनियम चालकों का उपयोग अधिक होता है। ताम्र चालकों को विद्युत रोधों में बांधने के लिए जहाँ तक संभव होता है ताम्र तारों का ही प्रयोग करना चाहिए और बंधक तार का साइज 2 वर्ग मिलीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। लाइन चालक के टूट जाने पर जहाँ तक संभव हो सके आलम पर ही जोर लगाने का प्रयास करना चाहिए। कैडमियम ताम्र चालकों का मेंटेनेंस ऑफ द कैडमियम कॉपर कंडक्टर, इनका उपयोग नीन वोल्ट तक 66 kV तक की दीर्घ जो विस्तृत लॉन्ग स्पैन वाली जो सुरपई लाइन होती है उनमें यूज होता है और इनमें जंग लगने की भी संभावना कम होती है। नीन वोल्टता पर कोरोना प्रभाव कम प्रभावित होता है। इनका जीवन काल अत्यधिक 25 से 30 वर्ष तक होता है। उपयुक्त ताम्र चालकों के क्लैंप का प्रयोग इन चालकों के लिए नहीं करना चाहिए क्योंकि इनकी तन्य सामर्थ्य अपेक्षाकृत अति उच्च होती है, इसलिए इन चालकों के लिए विशेष लंबे क्लैंप का प्रयोग करना चाहिए। इनके साथ विद्युत रोधकों को बांधने के लिए ही ताम्र बंधक तारों का ही प्रयोग करना चाहिए जिनका साइज 2 वर्ग मिलीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। कठोर कर्षित एल्युमिनियम चालकों का मेंटेनेंस होता है। हाइड्रॉन जो एल्युमिनियम कंडक्टर होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है। इनका इनके भी जो आप कह सकते हैं इनका जीवन काल 20 से 25 वर्ष होता है और ये इनका उपयोग न्यून वोल्टता और लघु वोल्टता उच्च वोल्टता की लघु विस्तृत मतलब कि हाई वोल्टेज की शॉर्ट डिस्टेंस वाली लाइनों के लिए होता है और इनमें भी जंग लगने की संभावना कम रहती है। इनको जो इनके बंधक तार होते हैं वो एल्युमिनियम की होना चाहिए, ठीक है। यह ज़्यादा मतलब टिकाऊ, इनका जोड़ भी अधिक टिकाऊ नहीं होता, इसलिए इन्हें स्पैन के मध्य में ना जोड़कर आलम पर ही जोड़ लगाना चाहिए। एल्युमिनियम मिश्र धातु चालकों का मेंटेनेंस होता है। एल्युमिनियम अलॉय कंडक्टर्स, इनका उपयोग न्यून वोल्ट तथा उच्च वोल्टता की मध्यम विस्तृति वाली सुरपड़ी लाइनों में होता है। इनमें जंग जो रस्ट लगने की संभावना है वो कम रहती है, इसलिए इनका जीवन काल अत्यधिक 25 से 30 वर्ष होता है। इनके साथ विद्युत रोधकों को बांधने के लिए एल्युमिनियम बंधक तारों का ही उपयोग करना चाहिए जिनका साथ 2 वर्ग मिलीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। इस्पात कोरित एल्युमिनियम चालकों का मेंटेनेंस ऑफ द स्टील कोर एल्युमिनियम कंडक्टर, इन कंडक्टर का जैसे 66 kV से ऊपर का होता है इसकी अपर लेयर एल्युमिनियम की होती है और जो बीच में होता है तार वो किसका होता है स्टील का होता है। अब इनका ज़्यादातर जो चालकों का क्षयकरण आरंभ होता है तो इसे रोकने के लिए आजकल निर्माण करते समय इसमें क्या करते हैं कि एक ग्रीस की परत चढ़ाई जाती है, इनके पीछे एल्युमिनियम की तारों की लपेट लगाई जाती है और अतिरिक्त इस्पात जो कोर की सुरक्षा बिटुमन लेप तथा बिटुमन व्याप्त कॉटन टेप लगाकर की जाती है। नमी के कारण भी ऐसी ऐसा कंडक्टर संचारण तथा सफ़ेद लवण से प्रभावित होते हैं, इसलिए इन पर ग्रीस लपेट के इनके ऊपर शेडेड व चारों तरफ खुले हुए नमी रहित भंडार ग्रह से संग्रहित किया गया कलेक्ट किया जाता है। मेंटेनेंस ऑफ द कॉम्पैक्ट एल्युमिनियम जो होते हैं वो भी 20 से 25 साल तक की इनकी होती है और ACR कंडक्टर का ही एक विकसित रूप होता है और इनका जो बांधने का जो बंधनी तार होते हैं वो उनका भी जो साइज होना चाहिए 2 वर्ग मिलीमीटर से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इसमें एल्युमिनियम के ही तार यूज करना चाहिए। इसमें एक और मेंटेनेंस स्टील कोर एल्युमिनियम कंडक्टर जो कॉपर कंडक्टर हैं जो ACC कंडक्टर हैं SCC कंडक्टर होते हैं उन्हें नीन वोल्टता की जो कम वोल्टेज वाली लंबी लाइन उनमें प्रयोग करते हैं। इनके निर्माण कम नमी के कारण चालकों में जंग लगने की संभावना बनी रहती है, इसलिए इस्पात कोट बिटुमन से पोत कर मतलब कि बार्निश कर उन्हें बिटुमन में सना हुआ है व्याप्त कॉटन टेप लपेट कर दिया जाता है। आजकल सभी SCC कंडक्टर बिटुमन व्याप्त टेप क्रोड होते हैं। इनके साथ जो विद्युत रोध को बांधने के लिए ताम्र बंधक तारों का भी प्रयोग करना चाहिए जिनका साथ 2 वर्ग मिलीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। और ताम्र आच्छादित चालकों का मेंटेनेंस ऑफ द कॉपर क्लैड स्टील कंडक्टर, इनका प्रयोग उच्च वोल्टता की दीर्घ विद्युत लाइन वाली लाइनों के लिए होता है। इनमें जंग लगने की संभावना कम रहती है, इसलिए इनका जीवन काल अत्यधिक होता है 25 से 30 वर्ष तक। इन्हें विद्युत रोधकों के साथ बांधने के लिए ताम्र तारों का प्रयोग करते हैं। और मेंटेनेंस ऑफ एल्युमिनियम क्लैड स्टील कंडक्टर, इनका उपयोग उच्च वोल्टता की लंबी लाइनों के लिए हम प्रयोग करते हैं। इनमें जंग लगने की संभावना कम रहती है, इसलिए इनका जीवन काल 20 से 25 वर्ष तक होता है। इन्हें विद्युत रोधकों से बांधने के लिए एल्युमिनियम तार बंधक तारों का उपयोग करना चाहिए जिनका साइज 2 वर्ग मिलीमीटर से कम ना हो। फॉस्फर ब्रोंज मिश्र धातु चालकों का अनुरक्षण, मेंटेनेंस ऑफ द फॉस्फर ब्रोंज अलॉय कंडक्टर, इनका उपयोग प्रदूषित क्षेत्रों में उच्च वोल्टता की दीर्घ विस्तृत
वाली सिरोपरि लाइनों में होता है। इन पर संचारण प्रभाव नहीं होता, इसलिए इनका जीवन काल अत्यधिक 30 से 35 वर्ष तक होता है। इन्हें विद्युत रोधकों से बांधने के लिए फॉस्टर ब्रांजा फॉस्फर ब्रॉन्ज मिश्र धातु तारों का उपयोग करना चाहिए। उनका साइज भी 2 वर्ग मिलीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। अब मेंटेनेंस जी आई गैल्वेनाइज्ड स्टील कंडक्टर, इनका जैसे लगभग जो जीवन काल होता है ग्रामीण क्षेत्र में 16 साल और इंडस्ट्रियल में इंडस्ट्रियल मतलब उसमें 9 से 10 साल होता है। ये एक ज़्यादा मतलब जीवन काल वाले नहीं है। इनमें बिटुमन की परत चढ़ाई जाती है। इनका इस वक्त विशेष ध्यान रखना है कि इस्पात बांधने के लिए ताम्र तारे के टुकड़ों का उपयोग न किया जाए, इस्पात का तो इस्पात का ही किया जाए। अनुक्षण मरम्मत में मितव्ययता, इकोनॉमी इन मेंटेनेंस एंड द रिपेयरिंग। अब सिरोपरि लाइन का अनुक्षण मरम्मत धन का व्यय कम करने के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना पड़ता है। जहाँ तक संभव हो सके सिरोपरि लाइनों को ऊंचे खुले स्थान और पहाड़ियों से होकर नहीं ले जाना चाहिए। यदि ले जाना है तो स्पैन को कम रखना चाहिए। जहाँ तक संभव हो सके 66 kV तथा इससे ऊपर की सिरोपरि लाइनों को प्रदूषित या पॉल्यूटेड एरिया से नहीं होकर गुजारना चाहिए। जहाँ तक संभव हो सके न्यून वोल्ट 66 kV तक की सिरोपरि लाइनों के लिए धातु के चालकों ताम्र धातु चालक तथा काष्ठ खंभों के आलम्बों का उपयोग करना चाहिए। जहाँ तक संभव हो सके सिरोपरि प्रणाली में यथोचित आकार साज के चालकों का प्रयोग करना चाहिए और चालकों में कम से कम यांत्रिक जोड़ मैकेनिकल जॉइंट को कम रखना चाहिए ताकि लाइन में यथोचित मजबूती कायम रहे और बार बार अनुरक्षण मरम्मत की आवश्यकता ना हो। जहाँ तक संभव हो सके सिरोपरि लाइन के चालकों में क्षैतिज अंतराल भी रखना चाहिए ताकि आंधी तूफान तेज वायु के समय झूलने टूट के गिरने या परस्पर टकराने की संभावना कम से कम हो। जहाँ तक संभव हो सके सिरोपरि लाइन का संपूर्ण इस्पाती कार्य जस्तीकृत होना चाहिए, जलवायु के प्रभाव से कम से प्रभावित हो और संभव हो सके तो प्रत्येक ऋतु के आरंभिक काल में सामान्य निरीक्षण हेतु गश्तगिरी या पहरेदारी पेट्रोलिंग करना आवश्यक है। सिरोपरि लाइन पर प्रयुक्त सुरक्षात्मक युक्तियाँ सेफ्टी डिवाइसेस यूज ऑन ओवर हेड लाइन। तो ये कुछ फ्यूजेज हैं। फ्यूज का प्रयोग क्या होता है, प्रदूषण को दूर करना सेपरेट करने किया जाता है या फिर आइसोलेटर। उनका उपयोग सिरोपरि लाइन प्रणाली के विभिन्न अंगों को एक दूसरे से अलग करने के लिए किया जाता है। आपको ये ड्रॉप आउट स्विच दिखाई दे रहा है, ये सबसे ज़्यादा आपको डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तड़त लाइटनिंग अरेस्टर, इनका उपयोग सिरोपरि लाइन की बादलों की बिजली से बचाने सुरक्षित हेतु किया जाता है। इनका संचरण वितरण लाइनों आरंभिक अंतिम सिरों पर प्रतिस्थापित किया जाता है। कभी कभी इनके स्थानों पर कुंडली चौक का प्रयोग किया जाता है। कंटिन्यूस अर्थवायर, इनका उपयोग संचरण वितरण लाइनों में किया जाता है। जैसे अब कंटिन्यूस अर्थवायर होती है, इनका भी प्रयोग होता है। बी गार्ड्स का प्रयोग किया जाता है कि अगर कहीं जो आबादी वाला एरिया कहीं तार टूट कर जमीन पर गिरने से बचाया जाता है तो बी गार्ड लगाया जाता है। गार्ड वायर भी लगाया जाता है टेलीग्राफ लाइन को क्रॉस करते समय या सिरोपरि लाइन को करते समय। गार्ड वायर 6 SWG का जस्तीकृत का बना होता है। अर्थिंग की जाती है, साथ ही साथ वाइब्रेशन डैम्पर भी लगाया जाता है। ये स्टॉक ब्रिज डैम्पर है जो आप देख रहे हैं चित्र में। ठीक है, अब मेथड्स ऑफ पोल इरेक्शन, खंभे खड़े करने की विधियाँ कौन कौन सी हैं। एक तो डेडमैन विधि जो मैंने पहले ही आपको बताई, इस विधि का प्रयोग प्रयोग भार में हल्के खंभों को खड़ा करने के लिए जाता है। दूसरा डायरेक्ट विधि है, डायरेक्ट पोल विधि, इस विधि का अधिक वजन वाले खंभों को खड़ा करने में किया जाता है। वैद्युत शक्ति प्रकलन के लिए फार्मूला सही है क्या है कि आपकी शक्ति हानि है W=I²R, जहाँ I करंट, R क्या है रेजिस्टेंस है। वोल्टता प्रकरण के लिए आपका सिंगल फेज के लिए आपको ये फार्मूला दिया हुआ है। ठीक है, और इसके सब चालक अंतराल का प्रकलन सूत्र है कि D 500 प्लस 18 वोल्ट प्लस L²/50 mm। D क्या है आपका जो अंतराल है स्पेसिंग है, B वोल्ट किलो वोल्ट मात्रक में कला से कला तक की वोल्ट था, L है मीटर मात्रक में दो आलम्बों बीच की दूरी। ठीक है, जोल अथवा सेग प्रकलन के लिए, जोल के लिए S=W(L²/AT), ये S क्या है सैग है, W क्या मीटर में भारे चालक का भार या प्रतिलंबा, ये वेट है, L क्या है लंबाई है और T क्या है किलोग्राम मात्रा में अधिकतम कार्य तनाव, जो टेंशन होती है वो है। बर्फ तथा वायु दाब में क्या है W(L²/AT)। ठीक है, और जहाँ W=क्या है W+W(I²+W1)² और किस में अंडर रूट में है। ठीक है,
कुछ फैक्टर होते हैं जो चालक बार और ये सब उसको सहायक को प्रभावित करने वाले। जो तो आज की क्लास में ये इतना ही है और ये यूनिट आपकी ख़त्म हो चुकी है। अब नेक्स्ट यूनिट में आपसे मुलाकात होगी। ठीक है स्टूडेंट्स।